आज सुबह 5:30 बजे नींद खुल गई और हमने सोचा कि आज बजरंगबली के जाके मंदिर और हम मारेंगे चेस्ट प्रेस। तो वहाँ हमने चेस्ट प्रेस मारना शुरू करी नेचर के साथ, नेचर की आवाज़ों के साथ। एंड फिर हमने स्टार्ट करी यहाँ पर कैमरा लगा दिया ये दिखाने के लिए कि ज़्यादा वेट है हमने इस साइड पे आसपास है। और मैंने देखा कि काफ़ी टाइम 6 महीने बाद जिम करने के बाद मैंने सोचा कि अब 70 किलो भी मार पाते या नहीं मार पाते, तो ये उसकी प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज करते वक्त एक अंकल आए थे और बोल तो रहे थे कि आगे आग लग गई है पहाड़ों में, पर मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्या ही बोल रहे हैं, कहाँ पे पहाड़ों में आग लग गई है। तो ये जो घूमने जाते हैं पहाड़ों में तो उन्होंने देखा होगा कि वो पंडित पागल है ऊपर मंदिर वाला, तो उसने आग लगा दी शायद किसी डब्बे में। तो तभी मैं देखता हूँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, उसमें से बंदे निकले और वो पूछ रहे हैं कि भैया आग का लगी, भैया आग का लगी। तभी मैंने बोला कि भैया शायद आग ऊपर लगी और तभी हो गई है, अब अपन मार लेते हैं थोड़ी स्क्वाट्स, और वो भी आज अपन मारेंगे स्नैच और वो वेट लिफ्टिंग वाली फ्रंट स्क्वाट्स। तो ये हम स्क्वाट्स मारते हुए देन तभी दमकल कर्मचारी की एक और गाड़ी आती है, मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी फिल्माया जाए। ये सुबह 5:30 या 6 बजे का माहौल काफ़ी अनोखा सा था, तो मैंने सोचा इसको फिल्माया जाए और मैं कैमरा लेके पहुंच गया वहाँ बाहर। मैंने भी सोचा कि मैं भी देख लेता हूँ कि आँख कहाँ पे लगी है जाकर। तो तभी मैंने वहाँ पर कल्पवृक्ष के फूल देखे और मैं उनमें ही मस्त हो गया। थोड़े सूख गए इनकी पत्तियाँ, थोड़ी ऐसी सी हो गई है, पर ये देखने में काफ़ी और काफ़ी खूबसूरत थे। फिर हम बाहर आए, देखा कि हाँ चलो काम चालू है, इसकी जनरेटर की आवाज़ फुल शोरों शोरों से। फिर हम शायद जंगल में चले गए थे। जंगल में जाने के बाद पता पड़ा कि पंडित ने किसी डब्बे में आग लगा दी थी और वहाँ आग फैलते फैलते जंगल में ना पहुँच जाए, इसलिए लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला दिया था और फिर वहाँ के आग बुझाने लगे और पंडित को खूब डर था क्योंकि पंडित थोड़ा सनकी हो गया। देन आज का वर्कआउट ख़त्म करके हमने सोचा कि हम घर चले जाते हैं। तभी हमको रास्ते में एक अंकल मिल गए, ये अंकल करम दे बेच रहे थे, और मैंने उनसे पूछने लगा कि अंकल खेत है या मंडी से मिल जाते हैं। से पूछने लगा कि अंकल कितने में दिए गरम दे, कैसे उगते हैं, कैसे तोड़ते हो, कहाँ मिलते हैं, आपके पेड़ है कितने पेड़ पे उगते हैं। तो अंकल ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया और फिर देन हमने करम दे लिया है। हमने करम दे खाए, थोड़ी मील ली, थोड़ा प्रोटीन खाया, थोड़े फल खाए, आइसक्रीम खाई और हम फिर सो गए। खाओ पियो ऐश करो, डिप्रेशन क्या माचदाने।